मेरे नौजवान साथियों, आज दुनिया में भारत की साख जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत को जानने समझने के लिए, भारत से जुड़ने के लिए पूरी दुनिया लालायित हो रही है। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है और हिंदुस्तान के नागरिक, जागरूक नागरिक, हिंदुस्तान के मतदाता, इसका पूरा श्रेय उनको जाता है। कारण क्या है मैं बताऊं आपको? बहुत दशकों तक हमारे देश में सरकारें अस्थिर रही, किसी को बहुमत नहीं था, मिलीजुली सरकारें थी। कितना दिन चलेगी, कर कुछ करेगी कि नहीं करेगी, कर पाएगी कि नहीं पाएगी, भारत के मतदाताओं के, नागरिकों के मन में नहीं, दुनिया के मन में आशंका होती थी। और उसके कारण कोई भारत की किसी बात पे विश्वास करने से पहले 50 बार सोचने में पड़ जाता था। लेकिन 8 साल पहले 2014 में आप सब जागरूक मतदाताओं ने, मेरे हिमाचल के मतदाताओं ने दिल्ली में मजबूत स्थिर सरकार दी, सबकी सब लोकसभा की सीटें हिमाचल ने जीत करके दी, 14 में दी, 19 में दी, और उसका परिणाम है कि दिल्ली में स्थिर सरकार बनी। उस स्थिरता के कारण नीतियों में भी स्थिरता आई, वर्क कल्चर में भी स्थिरता आई, बदलाव के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार हो गया। और उसी के कारण भारत का सामान्य नागरिक भी आज शासन व्यवस्था पर भरोसा करता है, सरकार पर भरोसा करता है, वैसे ही दुनिया भी हम पर ज्यादा भरोसा करने लगी है। स्थिर सरकार के लाभ को देखते हुए अब देश के अंदर भी हम देख रहे हैं, राज्यों में लोग बढ़ चढ़ करके इस महत्व को समझ रहे हैं। हमने देखा पहले उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में यही कथा थी कि हर 5 साल के बाद सरकार बदली जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने उस सारी सोच को ही बदल दिया और सरकार स्थिर होने की दिशा में उन्होंने अपना निर्णय दोहराया। 5 साल बाद सरकार बदलने वाली सोच को यूपी और उत्तराखंड के लोगों ने उखाड़ करके फेंक दिया, बदल दिया। मुझे खुशी है कि हिमाचल के लोग, हिमाचल के युवा भी भाजपा सरकार की वापसी का मन बना चुके हैं। हिमाचल के युवा जानते हैं कि साफ नियत के साथ, ईमानदार नियत के साथ हिमाचल का विकास अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है।